बहार अंसारी एंड यू आर वॉचिंग अंसारी स्वालर। ये वीडियो में मैं आप लोगों को लेके चलने वाला हूँ नेपाल। और ऐसे तो नेपाल जाने के बहुत सारे रास्ते हैं इंडिया से, लेकिन हम लोग बिहार से नेपाल जाने वाले हैं। और फिलहाल मैं बिहार में दरभंगा में हूँ। तो दरभंगा से अगर आप लोगों को नेपाल जाना है तो आपके पास दो रास्ते, या तो आप यहाँ से मुजफ्फरपुर के सीतामढ़ी होके बॉर्डर तक जा सकते हो, या तो फिर सिंपली आप यहाँ से मधुबनी होके जयनगर से होके बॉर्डर तक जा सकते हो। तो हम लोग देखते हैं कहाँ से जा सकते हैं। और हमारे पास नेपाल जाने के चार ऑप्शन हैं, या तो हम बाय ट्रेन जा सकते हैं, लेकिन अभी लॉकडाउन में कैसा है कि ट्रेन की टिकट मिलना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। और हमारे पास दूसरा ऑप्शन है बस, लेकिन अगर हम लोग बस में जाते हैं तो हो सके हम लोग बहुत कम एक्सप्लोर कर सके रास्ते को, तो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तीसरा ऑप्शन, अगर हम लोग कार लेकर जाते हैं तो वहाँ पर पार्किंग की प्रॉब्लम हो सकती है, कहाँ पर पार्क करेंगे बॉर्डर पर नहीं, क्योंकि आप नेपाल में अपने पर्सनल व्हीकल लेके नहीं जा सकते हो। और तीसरा और चौथा ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम लोग बाइक लेके जाएंगे, लेकिन बाइक में भी हमको ये सेम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो बहुत सर्च करने के बाद, बहुत सोचने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग बस में जाएंगे, और बॉर्डर तक बस में पहुँचने के बाद हम लोग बॉर्डर क्रॉस करके बस या जो भी है वहाँ की व्हीकल्स सारे चेंज करेंगे और दिखाते हैं सारे सीन आपको। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गो। लगभग हम लोग 8 बजे निकले थे और अभी 12 बज चुके हैं और फाइनली हम लोग मधुबनी पहुंच चुके हैं। और यहां तक का सफ़र बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहा, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी बस में, लेकिन लगभग यहां से थोड़ा खाली हो जाएगा नेक्स्ट स्टॉप तक। और इसके बाद हमारा और एक स्टॉप है और उसके बाद फाइनली हम लोग जयनगर से होकर बॉर्डर तक पहुँच जाएंगे। तो यहाँ से लगभग और 4 घंटे का रास्ता है, तो एन्जॉय करते हैं और चलते हैं। सो बहुत ही मुश्किल के बाद फाइनली हम लोग नेपाल पहुंच चुके थे और बॉर्डर क्रॉस हम लोगों ने चल के किया। और चल के उस तरफ जाने के बाद हम लोगों को बहुत सारी बस दिखी, और उसके बाद जो सबसे पहली नज़र हमारी जिस चीज़ पे पड़ी वो चीज़ देख के हम लोगों को मतलब शौक सा लगा कि इतना इजीली ये सब सामान यहाँ पर कैसे मिल सकता है। तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, तो ज़रूर देखें आप। आप लोगों ने लास्ट शॉट में देखा कि मैंने आप लोगों को जो चीज़ दिखाई वो देख के मुझे कुछ फ्रेंड्स की याद आ गई, जो कि इंडिया में ये सब के बहुत ज़्यादा शौकीन है। और यहाँ नेपाल में पहुँचने के बाद यहाँ की वेलकम मुझे बहुत ही अच्छे लगा, क्योंकि अगर आप इंडियन बॉर्डर की बात करें तो रोड वगैरह बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, लेकिन आप अगर नेपाल में देख रहे हो तो ये रोड बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और ब्यूटीफुल है। अब यहाँ से हम लोग अगर थोड़ा नाश्ता करेंगे और फिर यहाँ से बस पकड़ के हम लोगों को जाना है जनकपुर तक। और जनकपुर में एक मंदिर है, वहाँ पर लगभग हर साल मेला लगता है, तो वही हम लोग देखने आए थे। तो देखते हैं, और भी बहुत सारे प्लान हैं, अगर पॉसिबल हो सका तो हम लोग जाएंगे। अगर आप लोग नेपाल जा रहे हो और अगर नेपाल जाने का आप लोग सोच रहे हो तो दो तीन चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेगी कि अगर आप लोग नेपाल जा रहे हो तो पहली चीज़ है कि आप लोगों का वहाँ पर कोई UPI सिस्टम नहीं है, आप लोगों का कार्ड वहाँ पर नहीं चलेगा। हाँ, SBI का कार्ड चल सकता है, लेकिन उसके सम कुछ टैक्स लेगी वहाँ की गवर्नमेंट और आपको वहाँ की करेंसी दे देगी।
लेकिन अगर आप अगर इंडियन करेंसी वहाँ पे यूज़ करते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। और आप लोग अगर नेपाल जा रहे हो तो इंडियन करेंसी में आप हो सके तो 100 या 100 से कम की नोट लेकर जाए, क्योंकि 500 की नोट बहुत ही मुश्किल से वहाँ पे एक्सेप्ट होती है। तो ट्राई करें 100 की नोट या उससे कम की नोट लेकर जाए और एंजॉय करें वहाँ की वाइब। तो जनकपुर में जो मंदिर है वहाँ पर जाते जाते रास्ते में ये मार्केट देख के मुझे मन से ऐसा हुआ कि यहाँ से ज़रूर कुछ लेना चाहिए, क्योंकि अगर जब मैं इंडिया जाऊँ और मुझे याद रहे कि मैंने फर्स्ट इंटरनेशनल ब्लॉग एक्सप्लोर करने के टाइम पर यहाँ से कुछ लिया था, तो सबसे पहले हम लोग मंदिर विज़िट करते हैं। और दो तीन मंदिर है आजू बाजू में ही है, तो वो सारे मंदिर विज़िट करेंगे और उसके बाद निकलते हैं शॉपिंग के लिए। तो बने रहे व्लॉग में और एंड तक देखिए। जनकपुर मंदिर को और यहाँ के मार्केट को पूरा दिन एक्सप्लोर करने के बाद हम लोगों ने सोचा है कि हम लोग काठमांडू जाएंगे। लेकिन काठमांडू जाने के लिए यहाँ से अगर आप इंडियन करेंसी में आपको मैं बात करूँ तो पर पर्सन लगभग 1000 या 1500 समथिंग होता है, और हम लोग दो लोग हैं तो 3000 रुपये वो जाने के, 3000 रुपये आने के। और वहाँ पर अगर हमको रुकना है, कुछ खरीदना है, तो उसका एक्सपेंस। लेकिन गाइस बदकिस्मती से मैं उतने सारे कैश लेके नहीं आया हूँ, अकाउंट में सारे पैसे थे। मुझे ऐसा था कि वहाँ पर UPI चलेगा, लेकिन यहाँ पर UPI के इंडिया का कोई भी कार्ड यहाँ पर नहीं चलता है। इवन SBI का कार्ड चलता है, लेकिन SBI का कार्ड हमारे पास है नहीं। तो कोई इश्यू नहीं है, हम लोगों को यहाँ से वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोग एक बार वहाँ पर पहुँच भी जाते तो वहाँ से वापस आना बहुत ही हार्ड हो जाएगा। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग यहाँ से घर वापस जाएंगे और ट्राई करेंगे कि हम लोग समर में यहाँ पर वापस आ सकें। और आई होप आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आ गई होगी कि अगर आप नेपाल आ रहे हो तो बेसिक चीज़ें क्या है, आपको यहाँ पर क्या किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो
आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो गिव अ थम्स अप, कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, और ये वीडियो में मैंने मेरा बेस्ट एक्सप्लोर और बेस्ट एडिटिंग किया है, तो आई होप आप लोगों को ये पसंद आएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पीस।